हाय वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टा सेविंग अकाउंट के बारे में SBI की। जी हाँ, SBI ने नई सर्विस लॉन्च कर दी है इंस्टा सेविंग अकाउंट की। तो ये क्या होता है इंस्टा सेविंग अकाउंट? इंस्टा सेविंग अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट जैसा ही रहेगा, बट इसको आप अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। बस कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक है तो आप घर बैठकर 2-3 मिनट के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं SBI में। ओके, सो SBI की वाला जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट से बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। बस इसको जैसे आप फ़ोन से ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो भी लिमिट रहेगी मैक्सिमम वो 1 लाख तक की रहेगी। अगर आपको इसकी लिमिट ब्रेक करवाना है तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, बट 1 लाख से नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक या फिर ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेबिट कार्ड भी आपको पोस्ट के थ्रू 15 दिन के अंदर मिल जाता है। तो इसके अंदर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इंस्टा सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी क्या क्या रहेगी। फर्स्टली, इसके अंदर आप 1 लाख तक जमा कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट। एंड सेकेंड चीज़, आपको इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग सारी सर्विसेज मिल जाएगी, वो भी बिना ब्रांच जाए। आपका डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ओके, एंड बहुत सारी फैसिलिटी जो भी सेविंग अकाउंट में रहती है वो आपको मिल जाएगी। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप इस सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2.37 का इंटरेस्ट एनुअली मिलता है। तो ये चीज़ें रहती है इसके अंदर। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर कोई पर्सन खुलवा सकता है जिसका SBI में पहले से एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है। जी हाँ, एंड सेकेंड चीज़ क्या है, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए बिकॉज इसके अंदर KYC होती है। ओके, एंड थर्ड चीज़ क्या है, सिंपल है, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, अगर आपका नंबर लिंक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको योनो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि SBI का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है। तो इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली इसे ओपन करके बताता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए न्यू टू SBI लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग कस्टमर लिखा हुआ है और आई हैव एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन हैं, तो आपको न्यू टू SBI पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, डिजिटल सेविंग अकाउंट का और इंस्टा सेविंग अकाउंट। तो चलिए हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट आपको 2 ऑप्शन आएंगे, अप्लाई न्यू और रिज्यूम। तो आपको अप्लाई न्यू पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब आपके मोबाइल पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, यहाँ मुझे रिसीव हो गया है, मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर का एप्लीकेशन पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड का जो भी क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है, तो हम कैपिटल लेटर लिख देते हैं। उसके बाद आपको स्मॉल लेटर लिखना है, तो हम स्मॉल लेटर लिख देते हैं। उसके बाद आपको एक स्पेशल लेटर की ज़रूरत रहेगी, तो हम स्पेशल लेटर यहाँ पर @ लगा देते हैं। एंड उसके बाद आपको 3 नंबर लिखना है जो कि सिमिलर ना रहें एक दूसरे से, तो हम यहाँ पर और 1, 2, 3 सीक्वेंस में भी ना रहें, तो हम यहाँ पर 1, 3, 4 कर देते हैं। सेम यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करके उसका आंसर देना है, जिसके थ्रू क्या रहेगा, अगर आप इन फ्यूचर अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी हम दे देते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिकेट लिख देते हैं। यहाँ पर आप अपने मन से आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है प्लीज़ कम्प्लीट एप्लीकेशन विद इन 15 डेज टू स्टार्ट ऑफ स्टार्ट अदरवाइज द डाटा इंटर्ड विल बी लॉस्ट। आपको अपने 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन पूरा कम्प्लीट करना है। आप तो इंस्टेंटली कर लीजिएगा,
यहाँ पर टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो भी आधार नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाइए, उसके बाद आप क्रिएट करेंगे तो बेटर रहेगा। कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी, और बैंकिंग में ऐसा रहता है अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर ब्रांच ही जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना है अपने नेम का, और यहाँ पर नेम आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा बिकॉज आपने आधार नंबर वेरीफाई करवाया है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देना है, आपका जन्म स्थान यहाँ पर देना है, सिटी का नाम तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ देना है, किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, यहाँ पर इंडिया दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटीजनशिप लिखना है, इंडियन लिख देते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में कुछ आएगा, स्टेट सिलेक्ट करने का है आपको तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज, यहाँ पर आपको अपना प्रॉपर एड्रेस सिलेक्ट करना है बिकॉज इसी के बिहाफ पे आपकी ब्रांच डिसाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेट में मध्य प्रदेश, सिटी में इंदौर, उसके बाद सब सिटी में अपने जो भी आसपास का एरिया है वो, एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो दो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है आपके, आधार कार्ड और पैन कार्ड की। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपकी क्वालिफिकेशन पूछने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मैरिड अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अब आपको डिटेल्स देना है, एडिशनल डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको मिडिल नेम देना है अगर है तो, यहाँ पर आपको टाइटल देना है, अपने फादर्स की डिटेल देना है, फादर की डिटेल, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। आफ्टर दैट मदर की डिटेल देना है। आफ्टर दैट आपको एनुअली इनकम आपकी जितनी होती है वो देना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, बिजनेस है आपका, सर्विस करते हो या फिर कुछ नहीं करते हो, तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। आफ्टर दैट आप कहाँ पर जॉब करते हो, वर्क करते हो या फिर बिजनेस है आपका, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कर देते हैं। आफ्टर दैट आपका रिलीजन क्या है, हिंदू कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल देना है आपको, तो यहाँ पर इंटर नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है आपको। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर रिलेटिव का किसी का भी नाम और डिटेल्स देना है यहाँ पर, तो हम दे देते हैं रिलेशन। आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ कर देना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सेम एड्रेस पर क्लिक कर देना है, और जो भी आपके घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दे देना है। देन यहाँ पर आपको होम ब्रांच सेलेक्ट करना है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बाय लोकेलिटी पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर लोकेलिटी नेम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपनी लोकेलिटी लिखना है। अगर आपका एरिया लिखने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी शो ना हो और एरर आए आपको, तो आपको इसको क्रॉस पर क्लिक करना है और दोबारा लॉगिन करना है। आफ्टर दैट आपको अपनी सिटी का नेम लिखना है, तो सिटी में जितनी भी लोकेलिटी रहेगी वो आपको शो हो जाएगी। देन आपको अपनी लोकेलिटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए ऐसा एरर आता है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये ऐसा बार बार एरर आएगा आपको, ये एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट फिर से न्यू टू SBI पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर रिज्यूम पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आप फिर से वहीं
प्रोसेस पे ओपन हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर जैसे किसी को भी एरर आए तो इसलिए मैंने बता दिया है कि आपको ये काम करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस रीड करना है पूरा। इसको आप जब तक लास्ट नहीं करेंगे टिक नहीं होगा, ये देखिए। तो इसलिए पूरा लास्ट करने के बाद आप इस पर टिक कर सकते हो और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP आएगा, वो आपको एंटर करना है। सो मुझे रिसीव हो गया है 07। नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो भी डेबिट कार्ड पर नेम चाहिए आपका वो लिखना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका डेबिट 15 डेज के अंदर आपका जो भी डेबिट कार्ड है वो आपको डिलीवर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी है, CIF नंबर भी है, ब्रांच कोड भी है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है, तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है SBI ऑनलाइन। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये वाला पेज ओपन होगा, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। सो जो आपको यूज़र नेम SMS के थ्रू मिला है वो आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर टेम्प्ररी यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ जो कि मुझे SMS के थ्रू रिसीव हुआ है। यहाँ पर आपको CIF नंबर लिखना है जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है, तो हम देख लेते हैं वो। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है। देन सबमिट, तो यहाँ पर आपको स्लैश लगाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है डे मंथ और ईयर के हिसाब से। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपना एक OTP आएगा अपने नंबर पे, फिर से वो एंटर करना है। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, OTP बहुत बड़ा रहेगा, तो आपको यहाँ पर 8 डिजिट का OTP एंटर करके कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अपने मन से देना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम जो भी देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं और पासवर्ड भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर जो आप पासवर्ड देंगे वो एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर और नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। अब हम जाते हैं योनो एप्लीकेशन पे। योनो एप्लीकेशन पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, देन आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाए। अब आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो भी आपने बनाया है, देन आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर MPIN एंटर करना है जिसके थ्रू आपको बार बार अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है योनो एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप एंटर होंगे MPIN एंटर कीजिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो MPIN होना चाहिए, नंबर डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी नंबर दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम MPIN लिख देते हैं, कोई भी नंबर दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 और रिपीटेडली, जैसे कि नंबर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सिक्वेंस में रहे 1 2 3, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। तो हम 1 3 5 7 9 0 1 3 5 7 9 0
दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट फिर से ओटीपी, बैंक का काम है हर काम में ओटीपी आएगा आपको, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, देन नेक्स्ट। ओटीपी आपको उसी सेकंड आ जाएगा जिस सेकंड आप क्लिक करेंगे गो टू लॉगिन। अब यहाँ पर आपको बस एम पिन एंटर करना है और आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। सो एम पिन एंटर करने के बाद आपका अकाउंट हो गया है ओपन। व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका भी बैलेंस है ज़ीरो। यहाँ पर आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सेविंग अकाउंट में ज़ीरो रुपीज़ शो करेगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया है इसमें। इससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम में, बिना एटीएम मशीन से विड्रॉ कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के योनो एप्लीकेशन की मदद से। तो इसमें क्या रहेगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आप विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो पर्सनली आपके लिए बना सकता हूँ, सेपरेट एक वीडियो। एंड यहाँ पर आपको भीम यूपीआई सब कुछ सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, अकाउंट ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करने की, तो सारी फैसिलिटी आपको योनो एप्लीकेशन में मिल जाएगी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जब मुझे कार्ड डिलीवर हो जाएगा तब मैं बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो, बिकॉज जो भी फ्यूचर में आएंगे उनको पता रहेगा हाँ हेल्पफुल वीडियो है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट में, जैसे कि आपके सामने मैंने अकाउंट ओपन किया है, जैसे ही मुझे डेबिट कार्ड रिसीव होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।